इसीलिए फरमाया गया कि कूलू कौलन सदीदा। एक मर्तबा ऐसे ही मौके पर हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे हम पूरी तरह मुतारिफ हो चुके हैं, एक बड़ी तवील हदीस उनकी हम पढ़ चुके हैं, उनके सामने यही बात आई तो उन्होंने हैरत से कहा कि हुजूर, क्या जो कुछ हम बातें करते रहते हैं इस पर भी हमारा मुआख़ा होगा? फरमाया, सकलत का उम्मू गया मुआज़। ये बड़े प्यार भरे अंदाज की बात होती है, ऐ मुआज़ तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, ये वहां का मुहावरा था जो बहुत ही अपनाइयत वाली बात होगी, उसमें मलामत का एक अंदाज। मैं तो समझता था कि तुम बहुत दीन का फहम रखने वाले हो। इसके बाद आपने फरमाया, लोगों को जहन्नम में मुंह के बल गिराने वाली चीज सबसे ज्यादा जबान की खेतियां हैं। हसाइदो अलसिनतिकु, जबान से जो लफ्ज निकलता है वो एक बीज बनकर आखिरत की सरजमीन में बोया जाता है। अब अगर बुरा है तो कांटेदार पौधा उससे निकलेगा, झाड़ झंकाड़, और ये तुम्हें जाकर फिर काटना होगा क़यामत के अंदर। हसाइद इसको कहते हैं, खेती का काटना जो होता है। हब्बल हसीद, दो किस्म की नबातात जमीन पर हैं, एक तो वो जो पौधा और दरख्त मौजूद रहता है, फल आप उतार लेते हैं, अगले साल फिर फल आ गया, पौधा वही का वही। और एक वो फसल होती है, गंदम की है, चावल की है, गन्ने की, वो आपने काट ली, उसको कहते हैं हसीद। हसाइद अलसिनतकुम, तुम्हारे जबानों की बोई हुई जो खेतियां हैं, सबसे बढ़कर जहन्नम में गिराने वाली शय वो है। इसी में बल्कि एक जरा और हदीस भी है, जरा उसमें हया का पहलू माने होता है बयान करने में, लेकिन हदीस नबी है, हिकमत का बहुत बड़ा खजाना है। आपने फरमाया, मुसलमानों मुझे तुम दो बातों की जमानत दे दो कि तुम्हारे दो उज़्व जो बहुत ही छोटे छोटे से, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, जन्नत की जमानत मैं देता हूं। अब देखिए, कोई दो मन वजन है, डेढ़ मन है, दो मन से भी जायद है, तब उसमें दो उज़्व है, एक जमान और एक शर्मगाह। इन दो की जमानत मुझे दे दो कि इनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी पूरा जिस्म जो है उसकी जो भी हरकत और सकलात है उनकी गोया के मैं जमानत देता हूं कि अव्वल तो वो ठीक ही हो जाएंगे, गलत काम करेंगे नहीं। जैसे कि अभी आयत में हमने देखा, या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम। ये कलाम जो है शर्तिया है, अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे आमाल दुरुस्त कर दे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और कभी अगर खता भी हो जाती है इंसान से, जाहिर बात है अल इंसान मुरक्कब मिन निसान निस्यान वल खता, तो अल्लाह माफ कर देगा। ये फलसफा है दीन का, आपका रुख जो है सीधा है, आप सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं, चलने में कहीं पांव फिसल गया, गिर गए, फिर फौरन उठे फिर चले, तो अल्लाह माफ फरमाता इन चीजों को। लेकिन जिंदगी का रुख ही टेढ़ा हो गया, अब तो मामला बिल्कुल बरक्स हो गया, अब तो जो कदम उठ रहा है वो गलत रुख पर जा रहा है, जितना आगे बढ़ेंगे सिराते मुस्तकीम से उतना ही दूर होते जाएंगे। रुख सीधा रहे, अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल की सुन्नत, इस पर रुख पे आदमी चल रहा है। जो अल्लाह चाहता है, इबादत रब, शहादत अलन्नास और इकामत दीन की जिद्दोजहद, उसमें इंसान लगा हुआ। अब खता हो गई, गलती हो गई, लफ्जिश हो गई, क्योंकि मुझे याद है आज तक अपना एक वाक्य, मेडिकल कॉलेज के फिफ्थ ईयर का, थोड़ा देर हो गई थी, फर्स्ट लेक्चर हमारा होता था जो सर्जरी का, डॉक्टर अमीरुद्दीन वो बड़े सख्त थे, 5 मिनट के मोहलत दिया करते थे, उसके बाद दरवाजे बंद, उसके बाद आप आएंगे तो फिर आप दाखिल नहीं हो सकते। तो मैं तेज चल रहा था, बारिश हुई थी, साइकिल पर था, साइकिल फिसली में गिरा, गिरते ही बिजली के मानिंद उठा,
مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے, ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو پڑا ہے وہاں پر, تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے, ایک یہ ہے کہ گناہ ہو گئے فوراً اٹھے, جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب, فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ لازماً, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب, کوئی گناہ تو ہو گیا, خطا تو ہو گیا, فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ صاف کر لے گا فوراً. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, اپنے اوپر لازم کر لیا ہے,